इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पूरी पेरेंटल नॉलेज फॉर्म की, पेरेंटल नॉलेज फॉर्म है क्या चीज़ और कौन कौन से फर्दर सब रूट्स हैं इन द पेरेंटल नॉलेज फॉर्म। अच्छा, पेरेंटल को कॉमनली जो दूसरा नाम अल्टरनेटिवली इंजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इंजेक्शन आर पेरेंटल्स, तो वट आर इंजेक्शन? दीज आर स्टीराइल पायरोजन फ्री प्रिपरेशन। अच्छा, स्टीराइल लाजमी बात है, दिस इज द मेन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दी पेरेंटल या इंजेक्शन डोरेज फार्म, की वो स्टीराइल होनी चाहिए बिकॉज दीज आर डायरेक्टली गोइंग टू दी ब्लड। तो इस केस में जो मेन इम्पोर्टेंट करेक्टराइजेशन है या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है कि ये जो पेरेंटल डोरेज फार्म है या इंजेक्शन है वो स्टीराइल होनी चाहिए। अनदर वन प्रॉपर्टी, पायरोजन फ्री होनी चाहिए, ठीक है। पायरोजन फ्री आर एंडोटॉक्सिन, ठीक है। एक एंडोटॉक्सिन है जो कि बैक्टीरियल सेल का पार्ट होता है, ठीक है। सो से पायरोजन का क्या रोल होता है अगर वो प्रेजेंट हो इन इन दी सोल्यूशन या जो पेरेंटल इंजेक्शन है। पायरोजन अगर वो इनसाइड बॉडी जाएंगे तो वो बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो बिकॉज जो कि उस पेरेंटल है या इंजेक्शन है वो डायरेक्टली ब्लड में जा रहे हैं इंट्राविनस रूट की तो या किसी और की, तो अगर डायरेक्टली ब्लड में जा रहे हैं तो वी आर इंट्रोड्यूसिंग द एंडोटॉक्सिन डायरेक्टली इन टू दी ब्लड। सो दीज जो डोरेज फार्म है जो कि पेरेंटल्स हैं, दिस शुड बी केयरफुली प्रिपेयर्ड सो दैट फाइनल प्रोडक्ट में बी स्टेराइल एंड पायरोजन फ्री, ठीक है। पायरोजन आर एंडोटॉक्सिन और दीज आर इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्टर्ड पेरेंटली। अब पेरेंटल क्या चीज़ है? नाम पेरेंटल हम क्यों बोलते हैं ऐसे, ठीक है। ऑल इंजेक्टेबल आर कॉल्ड पेरेंटल्स, तो इट डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैरा मीन आउटसाइड एंड इंटेरॉन। इंटेरॉन आप लोगों को पता ही होगा कि किसको बोलते हैं, इंटेस्टाइन को बोलते हैं। जिस तरह एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स या एंटेरिक कोटेड कैप्सूल होते हैं, तो उधर हमारा पर्पज क्या होता है, इंटीरॉन से वो वर्ड निकला है, मीन रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन। तो इट डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मी पैरा आउटसाइड एंड एंटीरान इनसाइड, मीन ऑल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपार्ट फ्रॉम द ओरल रूट, ठीक है, जिसमें इंटेस्टाइन इन्वॉल्व नहीं है। बिकॉज जो ओरल रूट है उसके थ्रू अगर हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं टेबलेट कैप्सूल सिरप के थ्रू, तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन स्टमक जीआईटी और इंटेस्टाइन में होती है, तो उधर इंटीरॉन या इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है। इस केस में पेरेंट्रल में, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है, या आउटसाइड द इंटेस्टाइन। इसके इस स्टोरेज फॉर्म में पेरेंटल में इंटेस्टाइन इन्वॉल्व नहीं है एंड वी आर डायरेक्टली इंट्रोड्यूसिंग द ड्रग डायरेक्टली इनटू द ब्लड बाय इंट्रावीनस रूट या इनटू द मसल वाय इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन। अच्छा, पायरोजेंस क्या है? विद द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जो अगर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आप पेरेंटल्स की परफॉर्म करेंगे इंजेक्शंस की, जो फाइनल प्रोडक्ट प्रिपेयर होता है, तो उसकी एक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में एक टेस्ट है पायरोजन टेस्ट, ठीक है। पायरोजन आर बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन, ठीक है। दीज आर दी पार्ट ऑफ दी बैक्टीरियल सेल्स, लिपोपोलीसेकेराइड्स होते हैं। दीज आर बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन एंड ऑर्गेनिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट शेड फ्रॉम दी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या काज कर सकते हैं? फीवर एंड हाइपोटेंशन इन द पेशेंट व्हेन दे आर इन एक्सेसिव अमाउंट इन दी इंट्रावीनस इंजेक्शन, ठीक है। सो द पेरेंटल प्रोडक्ट शुड बी फ्री फ्रॉम पायरोजन एंड इट शुड बी स्टेराइल, ठीक है। मीन माइक्रोब से भी फ्री होनी चाहिए, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन भी नहीं होनी चाहिए और पायरोजन फ्री भी होनी चाहिए। इस केस में स्टेराइल स्टेरिलिटी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है पेरेंटल के केस में, बिकॉज डायरेक्टली ब्लड इन्वॉल्व हो रहा है। अच्छा, आप कब यूज़ होते हैं, किस केस में डिज़ायरेबल है कि हम पेरेंटल रूट को यूज़ करें और बाकी जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या डोरेज फॉर्म है वो यूज़ ना करें? द फर्स्ट वन, व्हेन द रैपिड ड्रग ऑफ एक्शन इज डिज़ायर्ड सेट इन इमरजेंसी, मीन कि हमें इमरजेंसी में रैपिड एक्शन अचीव करना है। तो अगर आप ओरल लोड के थ्रू टेबलेट्स देंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, मीन वो पहले स्टमक में जाएगी, टेबलेट डिसइंटीग्रेट होगी, फिर डिजॉल्व होगी, फिर ब्लड में जाएगी, वो टाइम कंज्यूमिंग है और वो इमरजेंसी केस में यूज़ नहीं हो सकता। तो रैपिड एक्शन अगर डिज़ायरेबल है, हमें ज़रूरत है रैपिड एक्शन की, तो फिर डायरेक्टली हम ब्लड में
ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं वाया पेरेंटल लूड। सेकंड के कंडीशन, अब जिस केस में पेरेंटल लूड इज डिजायरेबल वो है अगर पेशेंट अनकोऑपरेटिव है, ठीक है, अनकॉन्शियस है या अनेबल टू, जो ओरल मेडिकेशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है उसके लिए, ठीक है। अगर अनकोऑपरेटिव है तो आप उसको टेबलेट नहीं दे सकते बिकॉज स्वालविंग उसने करनी है। सिमिलरली सिरप आप उसको नहीं दे सकते ओरल रूट की, तो अल्टरनेटिवली पेरेंटल इज प्रेफरेबल। अनकॉन्शियस है तो वो स्वेलो नहीं कर सकता, टेबलेट नहीं ले सकता, सिरप नहीं ले सकता, तो पेरेंटल यूज कर सकते हो। या अगर टेस्ट उसका या अनएक्सेप्टेबल है फॉर द पेशेंट, तो वो या वो ओरल रूट के थ्रू मेडिकेशन टॉयलेट नहीं कर सकता, मीन्स स्टमक में उसकी इरिटेशन कास कर सकते हैं, माउथ में इरिटेशन कास कर सकते हैं, तो अल्टरनेटिवली ई कैन गो या देखें द पेशेंट कैन गो फॉर दी अल्टरनेटिव दैट इज पेरेंटल। अच्छा, और अनदर कंडीशन कि ड्रग अगर बाकी रूट्स के थ्रू आप एडमिनिस्टर करेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होता, तो फिर आप अल्टरनेटिवली पेरेंटल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। किस केस में इनफेक्टिव? फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्रग है वो स्टमक में डिग्रेड हो रही है, ठीक है, स्टमक पीएच पे वो डिग्रेड हो रही है, तो फिर अगर हम ओरल रूट के थ्रू वही ड्रग देंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी बिकॉज इसकी डिस्ट्रक्शन होगी इन दी स्टमक, तो जो डिजायरेबल पर्पस है हमारा टू अचीव दी ब्लड कंसेंट्रेशन ऑफ दैट ड्रग वो अचीव नहीं होगा बिकॉज ड्रग ब्लड में जाने से पहले स्टमक में डिग्रेड हो जाती है। तो एग्जाम्पल इसकी इंसुलिन, ठीक है, वो डिग्रेड हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन दी स्टमक, तो फिर अल्टरनेटिवली हम पेरेंटल की तरफ जाते हैं। अच्छा, इंजेक्शन को कॉमनली जो ट्रेन हेल्थ केयर पर्सनल होते हैं, ठीक है, वो ही एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे कि फिजिशियन, फिजिशियन असिस्टेंट, नर्स वगैरह, ठीक है, तो वही ट्रेन पर्सन ही उसको एडमिनिस्टर करते हैं, एक्सेप्ट इंसुलिन इंजेक्शन जो कि पेशेंट खुद ही सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट इंजेक्टेबल ड्रग जो कि ऑफिशियल है। ऑफिशियल मीन कि वो फार्माकोपिया में मेंशन है, तो वो मॉर्फिन सॉल्यूशन थी, हाइपोडर्मिक मॉर्फिन सॉल्यूशन थी व्हिच वाज अपेयर्ड इन दी 1874 एडेंडम टू दी 1867 ब्रिटिश फार्माकोपिया, मीन जो ब्रिटिश फार्माकोपिया 1867 एडिशन की एडिशन में जो कि 1874 में आई है उसमें वो मॉर्फिन सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस हुई थी, और 1888 में नेशनल फार्मोलरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया में वो इंट्रोड्यूस हुई थी। तो द फर्स्ट ऑफिशियल रिकॉग्निशन जिस ड्रग को मिली एज ए इंजेक्टेबल वो हाइपोडर्मिक मॉर्फिन सॉल्यूशन थी इन द 1874 इन द ब्रिटिश फार्माकोपिया इन 1888 इन द नेशनल फार्मोलरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। और आजकल तो अ लॉट ऑफ ड्रग्स आर अवेलेबल इन द पेरेंटल डोजेज फॉर्म। अच्छा, पेरेंटल रूट्स के अंदर प्रेफर्ड दे सब डिविजन्स है कि डिफरेंट सब रूट्स के थ्रू हम पेरेंटल रूट के थ्रू ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसमें जॉइंट्स को हम जॉइंट में हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जॉइंट की फ्लूइड एरिया में कर सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में कर सकते हैं, स्पाइनल फ्लूइड में कर सकते हैं, आर्टरीज में कर सकते हैं, हार्ट में कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन कॉमनली जो यूज़ होती है इंजेक्शन वो हम वेन में एडमिनिस्टर करते हैं, मसल में करते हैं, ठीक है, इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर टू द मसल, या स्किन की लेयर्स में करते हैं जैसे इंट्राडर्मल बोलते हैं या इंट्राक्यूटेनियस, या स्किन की लेयर्स की नीचे करते हैं, ठीक है, सबक्यूटेनियस, ठीक है, सबक्यूटेनियस मीन अंडर दी बीनीथ दी स्किन लेयर, इंट्राडर्मल इन टू द स्किन लेयर्स एंड इंट्रामस्कुलर इन टू अ मसल और इंट्रावीनस इन टू द वेन। द मोस्ट कॉमनली यूज जो कि इमरजेंसी में हम यूज़ कर सकते हैं इंट्रावीनस रूट है, हम डायरेक्टली ड्रग को या सोल्यूशन को ड्रग सोल्यूशन को एडमिनिस्टर करते हैं टू दी वेन इन टू दी ब्लड। और जो इज कॉमनली जो एडमिनिस्टर इन इट इज कॉमनली एडमिनिस्टर टू एन इजिली एक्सेसिबल प्रोमिनेंट वेन नियर दी सर्फेस ऑफ दी स्किन, ठीक है, जो कि सर्फेस ऑफ द स्किन के करीब जो प्रोमिनेंट वेन होती है उसमें
एडमिनिस्टर किए जाते हैं। वॉल्यूम इसका कितना होता है, कॉमनली 1 ml फॉर एन इंट्रावीनस इंजेक्शन, ठीक है, 1 ml मिनिमम अमाउंट है फॉर दी इंट्रावीनस इंजेक्शन, अप टू अ सेवरल लीटर फॉर इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, ठीक है। इन्फ्यूजन के केस में वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और जो इंट्रावीनस इंजेक्शन जो कि सिंगल डोज होता है वो अब मिनिमम 1 ml तक है। तो वॉल्यूम इसका डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा है। अगर इंजेक्शन है इंट्रावीनस तो 1 ml मिनिमम वॉल्यूम है, और जा सकते हैं अप टू सेवरल लीटर फॉर एन इंट्रावीनस इन्फ्यूजन। अच्छा, अगर जो सॉल्यूशन यूज हो रहे हैं इंट्रावीनस रूट के थ्रू, जो ड्रग सॉल्यूशन यूज हो रहे हैं वो उसका पीएच भी सेम होना चाहिए टू डेट ऑफ दी ब्लड, ठीक है। अगर हाई पीएच होगा, बेसिक पीएच होगा जरा, या एसिडिक पीएच होगा, लो पीएच होगा, या अगर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हमने बनाए, ठीक है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन मीन के जो आइस और जो कंसनट्रेशन ऑफ द ब्लड है उससे ज़्यादा है ऑफ दी सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन, जैसे जो ड्रग सॉल्यूशन है जो इंजेक्शन है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो इट विल क्या काज हो सकता है इन तीनों केसेस में। इट विल डैमेज द सेल्स इनसाइड द सेल, जो इनसाइड दी ब्लड जो सेल्स प्रेजेंट है, आरबीसी प्रेजेंट है या बाकी सेल्स प्रेजेंट है, उसको डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएशन इन पीएच या कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा है फ्रॉम दी ब्लड कंसनट्रेशन, जो कि नॉर्मली 0.9% वेंट बाई वॉल्यूम ऑफ दी सलाइन होता है, ठीक है। तो वो उससे अगर ज़्यादा है तो वो, या कम है तो वो, सेल्स की जो आरबीसी है उसकी डिस्ट्रक्शन काज कर सकते हैं। अल्टीमेटली कैन काज दी लोकलाइज पेन एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है, जिसे थ्रोम्बो फ्लिबाइटिस बोलते हैं। अच्छा, जो इंट्रावीनस रूट के थ्रू वाटर एंड ऑयल इमल्शन या सस्पेंशन को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंजेक्शन विच आर फॉर्मुलेटेड एज वाटर एंड ऑयल इमल्शन, या जिसमें ऑयल की कंटेंट क्वांटिटी ज़्यादा हो, वाटर एंड ऑयल इमल्शन, या सस्पेंशन हो जिसमें मीन की जिसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, बिकॉज पार्टिकल आर सस्पेंडेड, वो सोल्यूशन नहीं है, वो सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो देट शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड वाया इंट्रावीनस रूट। बिकॉज किस वजह से हम वाटर एंड ऑयल इमल्शन या सस्पेंशन को नहीं देते, बिकॉज इट कैन फिजिकली ब्लॉक ब्लड कैपिलरीज, पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो कैपिलरीज को ब्लॉक कर सकते हैं। ऑयल प्रेजेंट है इन दी वाटर एंड ऑयल इमल्शन तो वो कैपिलरीज को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। इट विल लीड टू दी एम्बोलिज्म, ठीक है, जो क्लॉट बन जाए उसे हम थ्रोम्बस बोलते हैं, और अगर वो मूव करे टू अदर एरिया तो फिर उसे हम एम्बोलस बोलते हैं, ठीक है। तो जो क्लॉट बन जाता है, जो ब्लॉकेज ब्लॉकेज काज कर सकते हैं, उसे एम्बोलिज्म कहते हैं। एंड इट विल लीड टू दी ब्लॉकेज ऑफ दी ब्लड वेसल विच इज नॉट डिजायरेबल, बिकॉज ब्लड फ्लो रुक सकता है उस केस में। तो वाटर एंड ऑयल इमल्शन या सस्पेंशन नहीं यूज कर सकते इन द केस ऑफ इंट्रावीनस वाटर एंड ऑयल इमल्शन, जिसमें ऑयल के कंटेंट ज्यादा है तो वो नहीं यूज कर सकते, बिकॉज इट कैन कॉज ब्लॉकेड ऑफ द कैपिलरीज। अच्छा, ये रेप्रोडक्शन प्रोवाइड करता है इस कंपेयर टू दी अदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा है कि जितनी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है एक्यूरेट डोज ये प्रोवाइड करते हैं। मीन अगर टेबलेट है 500 mg प्रेजेंट है तो वो सारी की सारी एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, लेकिन इस केस में इंजेक्शन के केस में जितनी क्वांटिटी ऑफ दी ड्रग प्रेजेंट है वो सारी की सारी ब्लड में चली जाती है, सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती है। दूसरा है कि इमीजिएट एक्शन प्रोवाइड कर सकता करता है, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द केस ऑफ लाइफ सेविंग, ठीक है। अगर लाइफ सेविंग ड्रग है तो वो उस केस में, या इमरजेंसी है तो उस केस में इट इज़ द डिजायरेबल रूट, बिकॉज ड्रग हम डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर रहे हैं टू दी सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है। लेकिन कुछ लिमिटेशन भी उसकी हो सकती है, एडवांटेज तो है लेकिन कुछ लिमिटेशन भी है। एक तो ये कि अगर हम ड्रग को आईवी रूट के थ्रू एडमिनिस्टर कर लें तो फिर हम उसे वापस रिट्रीव नहीं कर सकते अगर टॉक्सिसिटी हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑरल रूट के थ्रू हमने कोई ड्रग दे दी, टेबलेट दे दी, तो अगर उसकी टॉक्सिसिटी होगी तो हम उसको स्टमक वॉशिंग से रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर और इंजेक्शन के थ्रू हमने दे दी तो वो डायरेक्टली ब्लड में चली गई, उसको रिवर्स करना फिर मुश्किल है, ठीक है। और अगर टॉक्सिसिटी के केस में हम रिवर्स करते हैं एक्शन को, वही बात की जो स्टमक में अगर हम ओवोमिटिंग से ड्रग को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर एडवर्स रिएक्शन ऑब्जर्व हो जाए इन द केस ऑफ द, या एलर्जिक रिएक्शन ऑब्जर्व हो जाए इन द केस ऑफ आईवी रूट, वो
रिवर्स नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे तो स्टीराइल कंडीशन रिक्वायर्ड होगी, एसेप्टिक प्रिकॉशन शुड बी टेकन ताकि जो माइक्रोब्स हैं वो ब्लड के अंदर ना चला जाए। तो जब हम एडमिनिस्टर करेंगे तो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एट दी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो सोल्यूशन भी स्टेराइल होगा एसेप्टिक कंडीशन के लिए, और सिरिंज और नीडल शुड आल्सो बी स्टेराइल, और आल्सो जो जगह आप जिस जगह पे आप इंजेक्शन लगा रहे हो वो भी पहले आप अल्कोहल स्वाब से स्टेराइल बनाते हैं। ठीक है, तो ऑल एरिया शुड बी स्टेराइल, सिरिंज एंड नीडल शुड बी स्टेराइल, और जो सोल्यूशन है जो इंजेक्टेबल है वो तो ऑलरेडी स्टेराइल है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। बहुत स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम कैन बी यूज थ्रू इंट्राविनस रूट। ठीक है, इंट्राविनस रूट में जो कॉमन यूज है वो 1 लीटर के या 1000 ml के कंटेनर यूज होते हैं फॉर द आईवी इन्फ्यूजन इन द हॉस्पिटल, और जो फ्लोर रेट होता है आईवी इन्फ्यूजन का वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट एडजस्ट करते हैं, और फ्लो रेट जो कॉमनली एक्सप्रेस होता है यूनिट फ्लो रेट के लिए वो ml पर आवर है या मिलीलीटर पर आवर है, एंड रेंज इट रेंज इज फ्रॉम दी 42 टू 150 ml पर आवर। अच्छा, आईवी इन्फ्यूजन के साथ जो मेन नुकसान है या जो कि मेन लिमिटेशन इसकी है वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन मीन क्लाट फॉर्मेशन, कोई क्लॉट बन जाए, ठीक है, तो वो थ्रोम्बस कहलाता है, एंड इट कैन बी इंड्यूस्ड बाय दी कैथेटर या नीडल जो वेन के वाल को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन इज द मेन ड्रॉबैक या हार्म विच कैन बी कॉज बाय द आईवी इन्फ्यूजन। ठीक है, और एक केस केस में कॉमन है अगर इन्फ्यूजन सॉल्यूशन जो टिश्यूज हैं ब्लड के वेंस की टिश्यूज हैं उसमें वो इरिटेशन काज कर ले। ठीक है, तो वो कॉमन है कि थ्रोम्बाई काज कर सके या थ्रोम्बी काज कर सके या कोई क्लॉट काज कर सके। थ्रोम्बस क्या चीज़ है? इट इज़ द ब्लड क्लॉट फॉर्म इन द ब्लड वेसल और हार्ट बिकॉज ऑफ द स्लोइंग ऑफ द सर्कुलेशन और एन अल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड और वेसल वॉल। ठीक है, कोई नीडल अंदर चला गया वेन के अंदर तो जो सर्कुलेशन है उसको स्लो कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज वो उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिए तो वो स्लो कर रहे हैं सर्कुलेशन को, एंड इट में काज दी क्लॉट फॉर्मेशन विच इज कॉल्ड दी थ्रोम्बस। अब इसे हम इस केस में जब बन जाए वो थ्रोम्बस कहलाता है, लेकिन अगर वो मूवमेंट कर ले ब्लड फ्लो के थ्रू किसी और एरिया ऑफ द बॉडी में चले जाए तो वो एम्बोलस कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे बन जाए वो थ्रोम्बस कहलाता है। अब अगर वो ब्लड फ्लो के थ्रू मूव करके वो क्लाट आगे चला जाए किसी और एरिया में तो एम्बोलस कहलाता है, और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड दी एम्बोलिज्म। ठीक है, सो थ्रोम्बस और एम्बोलस टू सिमिलर थिंग, ये क्लॉट फॉर्मेशन है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है। थ्रोम्बस जहाँ पे बन जाए तो वो थ्रोम्बस कहलाते हैं, और अगर वो मूव करके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू किसी और एरिया में चला जाए किसी और ब्लड वेसल में चला जाए तो वो एम्बोलस कहलाता है। फिर आईवी ड्रग शुड बी एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, बिकॉज अगर हम डायरेक्टली एडमिनिस्टर करें ताकि ब्लॉकेट करना हो, ऑयल अगर होंगे ज्यादा कंटेंट ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन होंगे या पार्टिकल्स होंगे सस्पेंशन के केस में तो वो ब्लॉकेट काज कर सकते हैं। ठीक है, तो आईवी ड्रग शुड बी या इंजेक्टेबल्स जो आईवी रूट के थ्रू हम दे रहे हैं वो एक्वियस सॉल्यूशन में होने चाहिए, एंड एक्वियस सॉल्यूशन है तो इजीली मिक्स हो जाता है विद दी ब्लड एंड डोंट प्रेसिपिटेट फ्रॉम दी सॉल्यूशन। अच्छा, अनदर वन इज इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रावीनस आईवी रूट मीन कि वेंस के थ्रू हम एडमिनिस्टर कर रहे थे, अब इंट्रामस्कुलर रूट हम इंजेक्शन हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं हम इनटू द मसल्स ऑफ द रिलैक्स मसल टिश्यूज ऑफ द रिलैक्स मसल, और जो कॉमनली मसल साइट यूज होते हैं फॉर द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन वो बटक मसल्स थाई और शोल्डर मसल यूज होते हैं। अच्छा, जो एक्शन ऑनसेट ऑफ एक्शन है, ठीक है, कितने टाइम में वो एक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो लेस रैपिड है एज कम्पेयर टू दी आईवी रूट। आईवी रूट डायरेक्टली एक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं बिकॉज डायरेक्टली ब्लड में चली गई, लेकिन इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू वो लेस रैपिड होगा एज कम्पेयर टू द आईवी, बिकॉज ड्रग पहले जो सोल्यूशन है वो पहले मसल्स में जा रही है और फिर मसल्स के बाद एब्जॉर्ब होगी इनटू द ब्लड वेसल।
अनलाइक दी आईवी रूट जिसमें हम डायरेक्टली ब्लड में दे रहे थे। तो वेल अंडरस्टूड बात है कि अगर पहले स्टमक मसल्स में जा रही है फिर ब्लड में जा रही तो लेस रैपिड होगा इस कम्पेयर टू द आईवी रूट, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग है। मीन आईवी रूट का जो एक्शन होगा वो रैपिड होगा लेकिन जल्दी खत्म हो जाएगा। आईएम या इंट्रामस्कुलर के केस में रैपिड नहीं है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है, ज्यादा टाइम के लिए वो एक्शन प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू दी आईवी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस में एक्वियस सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं वाया दी इंट्रामस्कुलर रूट। ओलियाजिनस सॉल्यूशन, ओलियाजिनस मीन ऑयली इन नेचर, ठीक है, विच कंटेन ऑयल्स, तो वो भी यूज कर सकते हैं और सस्पेंशन भी यूज कर सकते हैं इन द वॉल्यूम ऑफ अप टू 4 ml, ठीक है। अब इस केस में वो एक्वियस सॉल्यूशन होना जरूरी नहीं है बिकॉज वी आर नॉट डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग इन टू दी ब्लड। ड्रग इन सॉल्यूशन आर मोर, अब तीनों टाइप्स ऑफ दी इंजेक्टेबल यूज हो रहे हैं, एक्वियस भी यूज हो रहे हैं, ओलियाजिनस भी यूज हो रहे हैं और सस्पेंशन भी यूज हो रहे हैं। तो जो रैपिडली एब्जॉर्प्शन होती है वो ड्रग इन सॉल्यूशन फॉर्म में होती है एज कम्पेयर टू दी सस्पेंशन एंड ओलियाजिनस प्रिपरेशन की। अच्छा, ये सॉल्यूशन फॉर्म में विस्कासिटी उसकी कम है, लेकिन अगर ऑयली प्रिपरेशन है तो वो विस्कस है, मोर विस्कस, या सस्पेंशन है वो विस्कस है, तो जो ड्रग रिलीज होते हैं वो स्लो होता है, तो रैपिड एब्जॉर्प्शन उसकी नहीं होती बिकॉज ड्रग रिलीज इज स्लो। लेकिन अगर जिससे ड्रग जल्दी रिलीज हो रहा है सोल्यूशन से बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन सोल्यूशन फॉर्म, तो रैपिड एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, रैपिड आई एम इंजेक्शन आर परफॉर्म डीप इन टू द स्केलेटल मसल एंड पॉइंट ऑफ इंजेक्शन शुड बी एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम दी नर्व एंड ब्लड वेसल, ठीक है, ताकि डिस्ट्रक्शन ऑफ दी जो नर्व्स है वो कारण ना हो या जो ब्लड वेसल है वो डिस्ट्रक्शन कारण ना हो। तो एरिया ऑफ दी या साइट ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेशन वाई दी आई एम रूट या इंट्रामस्कुलर रूट शुड बी फार अवे फ्रॉम दी नर्व या ब्लड वेसल ताकि उसकी डिस्ट्रक्शन कारण ना हो। तो अगर जो कॉमनली इंजीज का हो सकती है जो कि लिमिटेशन है इंट्रामस्कुलर रूट की, वो इंजीज एट दी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है बिकॉज नर्व डैमेज हो सकते हैं, ब्लड वेसल डैमेज कर सकते हैं एंड दीज या एक्यूमुलेशन ऑफ दी एक्यूमुलेशन ऑफ दी मेडिकेशन एट दी साइट ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसकी वजह से पैरालिसिस कैज हो सकती है बिकॉज ऑफ दी न्यूरल डैमेज, ठीक है, जो नर्व डैमेज कैज हो गया ड्यू टू दी आई एम रूट या जो नीडल है या ब्लड वेसल की वजह से जो ब्लड वेसल की डैमेज कैज हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गई, तो दिस मे लीड टू दी पैरालिसिस रिजल्टिंग फ्रॉम दी न्यूरल डैमेज। एब्सेस कैज हो सकते हैं, एब्सेस क्या चीज़ है, मैस फिल विद दी पस कैज ड्यू टू इन्फेक्शन, ठीक है, एट द साइट ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेशन इन्फेक्शन कैज हो सकते हैं जिसकी वजह से पस की क्रिएशन हो सकती है एंड एब्सेस कैज हो सकते हैं। एब्सेस क्या चीज़ है, मैस फिल विद दी पस कैज ड्यू टू इन्फेक्शन। सिस्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, विच इज सिस्ट क्या चीज़ है, एबनॉर्मल सैक इन द बॉडी फ्लूड विद द फिल्ड विद द फ्लूड। एम्बोलिज्म कैज हो सकता है, एम्बोलिज्म क्या चीज़ है ये, अच्छा, हेमाटोमा कैज हो सकता है एट द साइट ऑफ द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, और हेमाटोमा क्या चीज़ है, सॉलिड स्वेलिंग ऑफ द क्लॉटेड ब्लड विद इन द टिश्यू, ठीक है, इसी टिश्यू में क्लॉट जमा हो जाए, जो ब्लड वेसल है उसमें क्लॉट हो जाए तो एरिया स्वेल हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड द हेमाटोमा एंड दिस में अकर एट द साइट ऑफ द इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। सबक्यूटेनियस रूट द थर्ड वन, नाम से पता चले अंडर बीनीथ द स्किन। क्यूटेनियस मीन क्यूटेनियस का वर्ड जहाँ पे भी आता है वो स्किन को रिप्रेजेंट करते हैं। सब क्यूटेनियस मीन बीनीथ द स्किन लेयर्स, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोडर्मिक, ठीक है, डर्मस भी स्किन को रिप्रेजेंट करते हैं, स्किन की लेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, डर्मल लेयर या डर्मस स्किन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हम ट्रांस डर्मल बोलते हैं, ठीक है, ये डर्मा स्किन की लेयर्स को प्रेजेंट करते हैं। सब क्यूटेनियस क्यूटेनियस भी स्किन को प्रेजेंट करते हैं, दोनों वर्ड जब भी आए तो आप समझ जाए कि स्किन की बात हो रही है। तो सब क्यूटेनियस बीनीथ द स्किन एंड इट इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू इमीजिएटली बीनीथ द डर्मल स्किन लेयर, ठीक है, जो स्किन लेयर है उसकी इमीजिएटली बीनीथ जहाँ पे
ब्लड वेसल प्रेजेंट होगी तो वो उधर ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे वाई दी इंजेक्शन और उधर उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। सबक्यूटेनियस रूट किन ड्रग्स के लिए प्रेफरेबल है? फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिकेशन, ठीक है, जो कि स्मॉल बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में एक्शन प्रोवाइड कर सकती है, तो उसके लिए फिर वो प्रेफरेबल है। एंड इंजेक्शन ऑफ ड्रग बीनीथ द स्किन इज यूजली मेड इन द लूज इंटरस्टिशियल टिश्यू ऑफ द आउटर अपर आर्म, इंटीरियर थाई एंड द लोअर एब्डोमन। अच्छा, जो टिश्यूज होते हैं वो हाईली वास्कुलर हैं। वास्कुलर मीन रिच इन ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल ज्यादा हैं तो ज्यादा चांसेस है कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है। सो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ दी ड्रग बाय दी सबक्यूटेनियस रूट इट इज रैपिड एंड जहाँ पे जिस साइड पे हम एडमिशन करें वहाँ पे उसकी रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दी ब्लड वेसल, ठीक है। तो द एरिया जहाँ पे हम एडमिशन करें बीनीथ द स्किन लेयर, तो स्किन लेयर के नीचे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, कैपिलिटीज प्रेजेंट है, तो उधर अगर हम इंजेक्शन के थ्रू ड्रग एडमिनिस्टर कर लें तो ड्रग विल बी अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन टू द कैपिलरीज। ऑर्गेन्स ड्रग के लिए प्रेफरेबल है सबक्यूटेनियस रूट फॉर द इंजेक्शन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिकेशन। कॉमन एग्जाम्पल इंसुलिन है जो कि सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं, और द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेडिकेशन जो कि हम इंजेक्ट कर सकते हैं वाई सबक्यूटेनियस रूट इज 1.3 ml, लेकिन अगर 2 ml से हम एक्सीड करेंगे तो इट विल काज दी पेनफुल प्रेशर, ठीक है। तो माइन्यूट क्वांटिटी के लिए ये प्रेफरेबल है द सबक्यूटेनियस रूट। रूट हमने डिस्कस कर लिया एंड दी अनदर वन रूट ऑफ दी पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इंट्रा डर्मल, ठीक है। इंट्रा मीन विद इन एंड डर्मल स्किन लेयर्स, ठीक है। तो अब इस केस में स्किन की लेयर्स के अंदर हमने ड्रग या इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना है। सबक्यूटेनियस में क्या था, लेयर्स के नीचे था, सबक्यूटेनियस बीनीथ दी स्किन लेयर। इंट्रा डर्मल मीन विद इन दी डर्मस लेयर, जो स्किन की लेयर्स है उसके अंदर ही हमने ड्रग को एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। तो इंट्रा जहाँ पे भी वर्ड आते हैं इंट्रा डर्मल, इंट्रा मीन विद इन, जिस तरह इंट्रा डिपार्टमेंट अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर इंट्रा डिपार्टमेंट देख ले फार्मेसी डिपार्टमेंट के अंदर, तो इंट्रा डिपार्टमेंट मीन विद इन दी फार्मेसी डिपार्टमेंट। एक सेमेस्टर का दूसरे सेमेस्टर के साथ कोई मैच है या इसी तरह, तो ये इंट्रा डिपार्टमेंट आ जाता है। लेकिन अगर इंटर डिपार्टमेंट आ जाए INTER इंटर डिपार्टमेंट, तो मीन की यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। तो इंट्रा मीन विद इन द डिपार्टमेंट या इस केस में विद इन द लेयर। तो इंट्रा डर्मल इंजेक्शन आर गिवन टू द स्किन बिटवीन द एपिडर्मल लेयर एंड डर्मल लेयर। स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है उसे एपिडर्मस बोलते हैं, और जो नीचे डर्मस लेयर है उसके नीचे फिर डर्मस लेयर है। तो इट इज गिवन इन टू द स्किन बिटवीन द एपिडर्मल लेयर एंड डर्मल लेयर। वॉल्यूम कितना यूज करते हैं, अप टू दी 0.2 ml कैन बी गिवन बाई दिस रूट। और जो सा एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंट्राडर्मल इंजेक्शन इंजेक्शन है वो बहुत ही स्लो है। कॉमनली किन ड्रग्स के लिए यूज होते हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज हो सकता है, फॉर दी इम्यूनोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए सच एज एलर्जी टेस्ट के लिए यूज होता है, या इंजेक्शन ऑफ दी ट्यूबरक्यूलिन प्रोटीन टू डिटरमाइन द इम्यूनिटी अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो टीबी की डायग्नोसिस के लिए या एलर्जी टेस्ट के लिए, किसी चीज़ से किसी को एलर्जी है तो वो टेस्ट परफॉर्म करने के लिए इंट्राडर्मल इंजेक्शन यूज होते हैं। ये इमेज आपको इमेज में आपको नजर आ रहे हैं तीनों रूट्स, ठीक है। दिस वन इज इंट्रा मस्कुलर डीप इन टू द मसल्स, जो मसल वाली लेयर है उधर तक हम नीडल को इंजर्ट कर रहे हैं और वहाँ पे ड्रग को रिलीज कर रहे हैं। सबक्यूटेनियस बीनीथ दी स्किन लेयर्स, जो स्किन की लेयर है उसकी नीचे वाली एरिया में हम नीडल इंजर्ट कर रहे हैं और ड्रग को रिलीज कर रहे हैं। और
ऊपर पर स्किन की लेयर है एपिडर्मस डर्मस, ठीक है। तो दिस इधर दी डर्मस लेयर, तो इधर हम इंट्राडर्मल मीन विद इन दी लेयर, ये लेयर के अंदर ही हम ड्रग को नीडल को इंसर्ट करें, उधर ही ड्रग रिलीज करें, ठीक है। तो दिस पिक्चर से आपको सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा कि स्किन की सब ये टॉप लेयर है एपिडर्मस, ठीक है। फिर उसके नीचे डर्मस है, डर्मस के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं, और फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे मसल्स हैं, ठीक है। तो आई एम मसल्स तक आ रहे हैं, सबक्यूटेनियस सबक्यूटेनियस टिश्यू यहाँ पे ब्लड के प्लेज प्रेजेंट है, और इंट्राडर्मल विद इन दी जो स्किन लेयर है एपिडर्मस और डर्मस, उस एरिया में हम नीडल को इंसर्ट कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं ड्रग को एंड सोल्यूशन ऑफ दी ड्रग को। इंट्रा स्पाइनल इंजेक्शन नाम सी पर है चलने, अब इंट्रा फिर नाम आ गया, इंट्रा मीन विद इन, तो विद इन दी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल एरिया में हम स्पाइनल कॉर्ड का जो कॉलम है उसमें हम एडमिनिस्टर करते हैं बाय दी इंजेक्शन, और ओनली एक्वस सोल्यूशन आर यूज कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाई इंट्रा स्पाइनल इंजेक्शन, ठीक है। अच्छा इंट्राथीकल इंजेक्शन क्या होते हैं, जो स्पाइनल फ्लूड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड होते हैं जो कि अराउंड होते हैं ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन की, तो उसमें अगर हम इंजेक्शन या नीडल इंसर्ट करेंगे और उस फ्लूड में ड्रग रिलीज करेंगे तो दीज आर कॉल्ड इंट्राथीकल इंजेक्शन, एंड दिस रूट इज कॉमनली यूज फॉर दी स्पाइनल एनेस्थीजिया। इंट्राथीकल इंजेक्शन किस लिए कॉमनली यूज होता है, फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ ड्रग इन टू दी सी एस एफ या सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड, ठीक है। और किन ड्रग्स के लिए, अगर वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ना कर सकता हो, मीन कोई ड्रग है वो ओरल रूट की थ्रू या आईवी रूट की थ्रू आपने दे दिए, तो वो ब्रेन के इर्द गिर्द एक कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, ठीक है। तो ऑन कुछ सारी ड्रग उससे उसको क्रॉस नहीं कर सकती, जो ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा अराउंड द ब्रेन तो वही ब्लड ब्रेन में एंटर होगी, ठीक है, और उधर ब्रेन में अपना इफेक्ट शो करेगी। तो जो ड्रग्स बाकी रूट्स की थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती और ब्रेन में नहीं जा रही, तो फिर हम इंट्राथीकल इंजेक्शन के थ्रू उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं इन टू दी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो कि अराउंड होता है ब्रेन के, और फिर उधर से वो ब्रेन में चली जाती है। एग्जाम्पल इसकी एंटीबायोटिक विच आर यूज टू ट्रीट मेनेंजाइटिस और एंटी कैंसर एजेंट सचेस मेथोट्रेक्सेट और साइटरबीन। वॉल्यूम ऑफ अप टू 10 ml कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाई दी इंट्राथीकल इंजेक्शन। एंड दी अनदर वन रूट ऑफ दी पेरेंटल डोरिस फॉर्म इज इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, ठीक है। दीज आर एडमिनिस्टर इन टू दी साइनोवियल फ्लूड, ठीक है, जो जॉइंट्स होते हैं जो जॉइंट कैविटी में फ्लूड होते हैं उसको हम उसमें अगर जॉइंट में हम एडमिनिस्टर करेंगे इंजेक्शन बाई इंजेक्शन की थ्रू, तो वो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन कहलाता है। एक्वियस सोल्यूशन और सस्पेंशन बोथ कैन बी यूज बाई दिस रूट, और ये लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो जॉइंट्स के इर्द गिर्द इन्फ्लेमेशन है हुई होती है उसकी ट्रीटमेंट के लिए होते हैं, ठीक है, सिस्टमिक इफेक्ट के लिए नहीं होता। जॉइंट के इर्द गिर्द जो लोकल इन्फ्लेमेशन है तो उसी के लिए इंजर्ट करते हैं टू द जॉइंट एरिया टू प्रोड्यूस अ लोकल इफेक्ट, एंड टिपिकली कॉमनली एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आर यूज, ठीक है। वो जो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए ड्रग यूज होते हैं वही एडमिनिस्टर किए जाते हैं वाया इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन टू ट्रीट अर्थराइटिस, ठीक है। अर्थराइटिस जो जोड़ों की इन्फ्लेमेशन है, जो जॉइंट की इन्फ्लेमेशन है उसको ट्रीट करने के लिए या स्पोर्ट्स इंजरी में ट्रीट करने के लिए इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन यूज करते हैं।